नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। दरअसल हाल ही में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी पोल खोली गई है अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, आपको ये जानकारी दे दें कि कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर एक बड़ा बयान दे दिया है। ये तो आप सभी जानते हैं कि 1 करोड़ के पर्दे और तकरीबन 5 से 6 करोड़ के फर्श जहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में लगाए हैं, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल के पूरे शीश महल की कीमत जहाँ पर 45 करोड़ रुपया बताई जा रही थी, तो हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने सच बताया है। उन्होंने कहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है उसकी कीमत 45 करोड़ नहीं है, जबकि उसकी कीमत 1 करोड़ 71 लाख रुपीज है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो आम जनता के बीच आम जीवन जीने के तमाम बातें कहते हुए दिखाई दे रहे थे, आज उनके शीश महल की कीमत कितनी ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर खर्चा की गई राशि 45 करोड़ रुपए की नहीं बल्कि 1 करोड़ 71 लाख रुपीज की है। उन्होंने कहा है कि ये रकम कोविड महामारी के वक्त खर्च की गई, जब लोग बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं ये कोविड के टाइम पे भी देखा गया था, जब हर इंसान जो है दिल्ली सरकार से गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही थी कि बेड्स को बढ़ाया जाए, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर को बढ़ाया जाए, तब उस दौरान जो है अरविंद केजरीवाल अपना घर भरने पर लगे हुए थे। शीश महल का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से जनता के बीच धोखाधड़ी करते दिखाई दिए हैं, लाजमी है कि अब दिल्ली की जनता उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी। क्या कुछ है आपकी राय, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। धन्यवाद।